राजस्थान की पहली और देश की 15वीं वंदे भारत एक्सप्रेस अजमेर दिल्ली कैंट के बीच संचालित होगी। कृपया इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना करने का कष्ट करें। नव उल्लास का संचार, नव उत्साह का संचार करता, संपर्क बढ़ाता, लोगों को जोड़ता, भारत में रेल क्रांति का एक और अध्याय, स्वदेशी रूप से डिजाइन कवच प्रणाली से युक्त हाई राइज ओवरहेड इलेक्ट्रिक क्षेत्र पर दुनिया की पहली सेमी हाई स्पीड पैसेंजर ट्रेन, ऑटोमेटिक डोर्स वाली, आरामदायक सीटों वाली, जीपीएस वाईफाई सुविधा से लैस, आधुनिक सुविधाओं से युक्त, भारत के कौशल, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता को रवाना करती हुई ये 15वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जयपुर से रवाना हुई है। वंदे भारत ट्रेन आधुनिक भारत की शानदार सुखद तस्वीर, भारत की गति, भारत की शक्ति, भारत के स्केल, सभी का प्रतिबिंब। हाय फ्रेंड्स, तो आखिरकार राजस्थान वासियों का भी वंदे भारत एक्सप्रेस का इंतजार खत्म हो चुका है। आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 11 बजे जयपुर रेलवे स्टेशन से वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया और इसी के साथ देश की 15वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ने अपनी पहली जर्नी को जयपुर से दिल्ली कैंट के बीच में पूरा किया। फ्रेंड्स, आज तो ये ट्रेन जयपुर से दिल्ली के बीच में चलेगी, लेकिन इसके बाद में कल से इसका शेड्यूल जारी हो जाएगा। इसके बाद ये ट्रेन सप्ताह में 6 दिन चला करेगी। एक दिन के लिए इसका सर्विस और मेंटेनेंस के लिए इसका रेस्ट रहेगा। बाकी सप्ताह के 6 दिनों में ये ट्रेन सुबह अजमेर से 6:20 पर रवाना होकर दोपहर 11:35 पर दिल्ली कैंट पहुंचेगी और ये शाम को 6:40 पर अजमेर के लिए दोबारा रवाना होगी और 11:55 पर अजमेर वापस पहुँच जाएगी। बीच में इसका स्टॉपेज जयपुर, अलवर, गुड़गांव और रेवाड़ी होने वाला है। फ्रेंड्स, आज ही 12 अप्रैल 2023 के दिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आज वंदे भारत का उद्घाटन किया है और देश की 15वीं वंदे भारत एक्सप्रेस को राजस्थान वासियों को सप्रेम भेंट करते हुए नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हरी झंडी दिखा करके इस ट्रेन को जयपुर जंक्शन से दिल्ली के लिए रवाना किया। आज तो इस ट्रेन में रेलवे स्टाफ के साथ साथ कुछ स्कूल स्टूडेंट्स ने यात्रा की है। फ्रेंड्स, कल से ये ट्रेन अपने शेड्यूल के हिसाब से चलना शुरू हो जाएगी और ये ट्रेन अजमेर से दिल्ली के बीच में सफ़र करेगी। फ्रेंड्स, इससे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और पुष्कर जी के आने वाले यात्रियों को बहुत ज़्यादा सुविधा मिलने वाली है। फ्रेंड्स, ये एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जो कि जयपुर की दिल्ली से दूरी को घटा करके 3 घंटे की कर देगी और अजमेर पहुंचने में सिर्फ 5 घंटे लगने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को देखिए और नरेंद्र मोदी जी द्वारा किए गए उद्घाटन समारोह के व्यूज का मजा लीजिए। मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। आज की इस सुखद पावन अवसर पर राजधानी जयपुर को मिली है वंदे भारत एक्सप्रेस के उपहार के रूप में ये सौगात। एक लघु फिल्म के माध्यम से इसका प्रस्तुतिकरण, देश में नई गति, नई प्रगति के माध्यम से सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस पर ये लघु फिल्म। रत्न गर्भाधारा भारत, समृद्ध विरासत को स्वयं में समेटे, विरासत को संजोते विकास का संकल्प लिया हमारे दूरदर्शी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। नया भारत जो सशक्त हो, आधुनिक हो, आत्मनिर्भर हो और जो गौरवशाली संस्कृति से प्रेरणा लेकर विश्व पटल पर नित नई ऊंचाइयां हासिल करे। भारतीय रेल की 9 वर्षों में बदली तस्वीर इस तेजी से बदलते भारत की मिसाल बनी है। वर्ल्ड क्लास स्टेशन, नई लाइंस, लाइंस का विद्युतीकरण और दोहरीकरण और साथ ही तेज रफ्तार वंदे भारत एक्सप्रेस, ये सब विकास के प्रति मोदी सरकार की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। वंदे भारत ट्रेन विकसित होते भारत की
उमंग और तरंग का प्रतीक है। साथियों, ये हमारे कौशल, हमारे सामर्थ्य, हमारे आत्मविश्वास का भी प्रतीक है। प्रगति की इस अनवरत कड़ी में समृद्ध विरासत वाले राज्य राजस्थान को मिल रहा है एक शानदार उपहार। आज शौर्य धारा राजस्थान में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का कर रहे हैं शुभारंभ। अजमेर और दिल्ली कैंट के बीच शुरू हो रही ये वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन देश की 15वीं वंदे भारत ट्रेन है। इससे प्रसिद्ध पुष्कर मेले और गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह आने वाले देशी विदेशी पर्यटकों और श्रद्धालुओं को काफी सहूलियत होगी। पूरी तरह से स्वदेशी वंदे भारत ट्रेन से दिल्ली, गुरुग्राम, जयपुर, अलवर और अजमेर के मध्य यात्रा होगी सुविधाजनक और यात्रा के समय में 1 घंटे की कमी आएगी। ये ट्रेन अत्याधुनिक सुविधाओं से है लैस। 180 डिग्री रिक्लाइनर चेयर्स, ऑटोमेटिक डोर्स, कवच सुरक्षा सिस्टम, CCTV, टॉक बैक से सीधे गार्ड और ड्राइवर से संपर्क, व्हील माउंटेड ब्रेक्स जैसे विश्व स्तरीय सुरक्षा उपायों से लैस है ये ट्रेन। टच फ्री सिस्टम, ब्रेल लिपि में जानकारी, दिव्यांग फ्रेंडली टॉयलेट्स के साथ ये ट्रेन है समावेशी। अजमेर दिल्ली रेल मार्ग पर अधिक माल लदान और लाइन क्षमता को बढ़ाने के लिए डबल स्टैक कंटेनर माल गाड़ियों का संचालन किया जा रहा है। अब दुगनी ऊंचाई के पेंटोग्राफ की डिजाइन से निर्मित वंदे भारत ट्रेन का संचालन भी इसी रेल मार्ग पर किया जा रहा है, जिससे इस मार्ग पर वर्तमान में उपलब्ध संसाधनों से ही माल गाड़ियों और वंदे भारत ट्रेन का संचालन सुगमता के साथ किया जा सकेगा। इस नई तकनीक का वंदे भारत एक्सप्रेस ही नहीं पूरे भारत में ये पहला प्रयोग है। वंदे भारत ट्रेन से पूरे क्षेत्र के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, आर्थिक गतिविधियों को बल मिलेगा, रोजगार के नए अवसर बनेंगे। विकसित भारत के निर्माण में राजस्थान बने सशक्त भागीदार। भारत सरकार के इस संकल्प की सिद्धि में वंदे भारत एक्सप्रेस देगी महत्वपूर्ण योगदान। और गौरव में अभिवृद्धि करते हैं ये क्षण समस्त प्रदेशवासियों के लिए अविस्मरणीय अवसर समय जिनकी अवधारणा है कि विकास सर्वस्पर्शी हो। सादर अनुनय हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी से। कृपया अपने प्रेरक उद्बोधन से हम सभी का मार्गदर्शन और उत्साह वर्धन करें माननीय प्रधानमंत्री जी। नमस्कार। राजस्थान के गवर्नर श्री कलराज मिश्र जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री मेरे मित्र श्रीमान अशोक गहलोत जी, रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी, राजस्थान सरकार के मंत्रीगण, विधानसभा और विधान परिषद में नेता विपक्ष, मंच पर विराजमान सभी सांसदगण, विधायकगण, अन्य सभी महानुभाव और राजस्थान के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मां भारती की वंदना करने वाली राजस्थान की धरती को आज पहली वंदे भारत ट्रेन मिल रही है। दिल्ली कैंट अजमेर वंदे भारत एक्सप्रेस से जयपुर दिल्ली आना जाना और आसान हो जाएगा। ये ट्रेन राजस्थान की टूरिज्म इंडस्ट्री को भी बहुत मदद करेगी। तीर्थराज पुष्कर हो या फिर अजमेर शरीफ, आस्था के ऐसे महत्वपूर्ण स्थलों तक पहुंचने में भी अब श्रद्धालुओं को ज्यादा आसानी होगी। भाइयों और बहनों,
बीते दो महीनों में ये छठी वंदे भारत एक्सप्रेस है जिसे हरी झंडी दिखाने का मुझे सौभाग्य मिला है। मुंबई सोलापुर वंदे भारत एक्सप्रेस, मुंबई शिरडी वंदे भारत एक्सप्रेस, रानी कमलापति हजरत निजामुद्दीन वंदे भारत एक्सप्रेस, सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस, चेन्नई कोयम्बतूर वंदे भारत एक्सप्रेस और अब ये जयपुर दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस आज शुरू हो रही है।